अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। जो हमने इससे पहले देखा था कि बर्ड्स में और ह्यूमन बीइंग्स में क्योंकि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन हनीबीज। हनीबीज हैव अ यूनिक मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। हनीबीज में एक यूनिक मेथड है सेक्स डिटरमिनेशन करने का। इन हनीबीज फर्टिलाइज्ड एग्स इमर्ज एज अ फीमेल। जो भी फर्टिलाइज्ड एग होंगे वो सिर्फ फीमेल ही बॉर्न करेंगे। ओके, मींस यहां पर मैं जो फर्टिलाइज्ड एग है वो सिर्फ फीमेल करेंगे एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलपिंग मेल्स। जो अनफर्टिलाइज्ड एग रहेंगे वो मेल में डेवलप होंगे। मींस फर्टिलाइज्ड ऑलवेज फीमेल एंड अनफर्टिलाइज्ड विल बी ऑलवेज मेल। तो फर्टिलाइज इज इक्वल टू फीमेल्स एंड अनफर्टिलाइज इज इक्वल टू मेल्स। सिंस फर्टिलाइज्ड एग्स एंड आल्सो फीमेल्स आर डिक्लेयर्ड। ओके, तो ये दोनों डिक्लेयर्ड हो गए। मींस टू एग हो गए दोनों एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। सिंस फर्टिलाइज्ड एग्स आर आल्सो females are diploid and unfertilized eggs and males haploid. Sex distribution honeybees are referred as a haploploid. Okay, तो ये unfertilized egg means fertilizer होगा तब जाकर अब देखो ये unfertilized egg है। okay, ये unfertilized egg है means उसमें fertilization नहीं हुआ। means इसके chromosomes के number सिर्फ n है और इसमें fertilization हो गया, that's why इसके chromosome के number हो गए 2n, that's why ये diploid हो गए और ये haploid है। ओके, haploid। तो यहाँ पर इस वे में हनीबी की सेक्स डिटरमिनेशन को haplodiploidy। ओके, तो haplodiploidy sometimes also called ये alkinotropy। ओके, तो ये सेक्स डिटरमिनेशन का मेथड है कि किस वे में सेक्स डिटरमिनेशन हनीबी में होता है। तो सेक्स डिटरमिनेशन बाय द नंबर ऑफ सेक्स ऑफ क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल रिसीव्स द मेल व्हिच इज कॉल्ड अ ड्रोन। ओके, यहाँ पर ड्रोन को एक नाम दिया गया। ड्रोन विच आर मेल्स के ड्रोन्स को नाम दिया गया। ड्रोन्स विच इज फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग। ओके, तो एन एन इन नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स में क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड रहते हैं। तो फीमेल हनी बीज विच आर वॉकर बीज एंड क्वीन बीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइज एग है उसमें से प्रोड्यूस होती है जो फीमेल वर्कर बीज एंड क्वीन बीज जो एक क्वीन होती है from fertilized egg, therefore they are diploid. They contain two sets of chromosome. In this case, only females are produced by sexual reproduction. और यहाँ पर जो female है, जो honeybee में females रहती है, वही सिर्फ sexual reproduction कर सकती है, because they have two N chromosomes, जो कि sexual reproduction के time N chromosomes gametes form होंगे, और फिर fertilization की वजह से वापिस दे फ्यूज होकर 2N फॉर्म करेंगे। दैट्स व्हाई द फीमेल ओनली कैन रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन हनीबीज दैट मेल हैव नो फादर एंड नो फादर एंड कैन नॉट हैव सन। ओके, मींस यहां पर कहा गया है कि जो मेल होते हैं उनके पास फादर या फिर सन नहीं होता, उनके पास ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन रहते हैं। ओके, बिकॉज एज दे आर डेवलप्ड फ्रॉम नॉन फर्टिलाइज्ड सेल। तो यहां पर एक हम फ्लो चार्ट फॉर्म करें कि यहाँ पर एक फीमेल है। ओके, यहाँ पर फीमेल ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। ये मेल फीमेल है वो दो एन और एन में डिवाइड होगी, जैसे कि ये टू एन होता है और ये एन होता है। ओके, तो आप ही से फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइज अगर टू एन फॉर्म होगा तो और यहां पर सीधा डायरेक्ट होगा एन। ओके, तो ये अनफर्टिलाइज। ये अनफर्टिलाइज हो गया और ये वाया फर्टिलाइजेशन। अब ये जो है वो आती है फीमेल वर्कर बीज या फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है उसे यहाँ पर
जेली, प्रीशियस जेली कहते हैं, प्रीशियस जेली कुछ नाम है। अगर वो भी जेली अगर जो क्वीन को जो वर्कबी को खिलाई जाए, जो वर्कबी उस पे फीड करेगी वो होगी क्वीन। ओके, तो वो होती है क्वीन। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस जनरेशन में जो यहाँ पर गैमेट्स का होने थे फर्टिलाइजेशन के होना था मेल में भी, लेकिन वो अनफर्टिलाइज एग से ही डायरेक्ट डेवलप होते हैं, जिसे कहते हैं जो अनफर्टिलाइज से डेवलप होते उसे कहते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस, जिसकी डेफिनेशन आती है फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया पार्थेनोजेनेसिस, जो कि मेल हनीबीज में दिखता है, जिसकी वजह से विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिजम्स है, मेल हनीबीज है, वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड डिजीज। यहाँ पर क्रिस क्रॉस को हम देखेंगे थोड़ा कि क्या है। We already know that genes are located on the chromosomes. The genes which are located on X chromosome, जिसे कहते हैं हम sex linked genes, okay? तो जो X chromosomes पर genes present रहेगी, हमें पता है there are 23 pairs of chromosomes. 23 pair में से 22 pairs of chromosomes are called autosomes, which determine each and every functions other than sex related. And the last pair, that is a 25th and 26th chromosome, decide the sex of an organism. This is, और उस chromosomes को हम कहते हैं sex chromosomes. तो उन पे जो genes present होगी उसे हम कहेंगे sex linked genes. यहाँ पर when male has a defective sex linked gene located on X chromosome and defective X chromosome to his daughter only during reproduction. Okay, तो यहाँ पर जब एग्जाम्पल ले लें एक हीमोफीलिया का, ओके, हीमोफीलिया एक डिजीज है जिसमें अगर आपको थोड़ा सा भी कट लगेगा स्किन में तो ब्लड स्टॉप नहीं होगा और ब्लड पूरी बॉडी का लॉस हो सकता है। ये तो एक हीमोफीलिया फादर है, हीमोफीलिक फादर है अफेक्टेड, तो वो दो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, एक तो एक्स and Y. Okay, as father, as a male human being can produce two types of sperms, that is X sperm and Y sperm. Okay, और जो mother है वो produce करेगी XX. Okay, there is जो mother का chromosomes रहता है वो homozygous रहता है, same रहता है, तो XX होगा. तो जब भी यहाँ पर ऐसा हम मानते हैं कि जो father का X linked chromosome है, X linked chromosome है, वो affected है, जो कि हीमोफीलिक है। तो जब भी वो रिप्रोडक्शन करेंगे तब सपोज फादर ने दो टाइप के क्रोमोसोम, तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर एक लिया और मदर में से एक एक्स क्रोमोसोम आता, ओके, तो एक डॉटर होगी वो यहाँ पर कैरियर होगी, ओके, एक्स यहाँ पर कैरियर होगी, देखो कैरियर होगी क्योंकि यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो कि एक्स है जो इन्फेक्टेड है वो फादर से आ रहा है और दूसरा क्रोमोसोम जो कि मदर से आ रहा है और फीमेल फॉर्म होने के लिए एक्स एक्स यहाँ पर क्रोमोसोम्स का सेट फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वे में जो डॉटर है वो कैरियर रहती है। और दूसरा केस हो जाता है कि जब फादर वाई क्रोमोसोम देता है, तो यहाँ पर वाई दिया फादर ने और एक्स दिया मदर ने, तो यहाँ पर एक नॉर्मल सन, और या फिर यहाँ पर वाई दिया, ओके, तो यहाँ पर सन भी फॉर्म होगा, ये एक्स वाई डॉटर फॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि कुछ मिसप्रिंट है, ये कुछ मिसप्रिंट है। देन अगेन जो कैरियर डॉटर है, ओके, एक जनरेशन के लिए वो कैरियर रहती है, ये होगी एफ वन जनरेशन, ये होगी सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पर जो कैरियर डॉटर है अगर वो कोई अफेक्टेड मैन के साथ रिप्रोड्यूस करे, तो जब XH एंड XH होगा तो यहाँ पर जो
XX क्रोमोसोम्स है, ओके तो X X दोनों अफेक्टेड, तो यहाँ पर कैंसर हो जाएगा, और जो अगर ये डॉटर ने X लिया और यहाँ से Y लिया तो XX Y, ओके तो जब XX Y होगा तो वो अफेक्टेड रहेगा। याद रखना है कि जो फादर में जो यहाँ पर उनका जीनोटाइप था यहाँ पर XX Y, वो कोई फ्यूचर में कोई इन्फेंट में दिखता है तभी वो इन्फेक्ट होता है, या फिर कोई फीमेल में होगा तो वो कैरियर रहेगी। This type of inheritance of recessive sex linked character from father to daughter, then from daughter to their son is called cross inheritance or sex link or X links chromosome. The next is criss cross inheritance in humans. तो यहाँ पर humans में कौन सा दिखता है? जैसे कि red green color blindness या फिर homophilia are some X linked inheritance in human. The defective gene is located on X chromosome. जब defective gene है वो X chromosome से लिंक रहती है, तो in future वो आगे further generation में pass होकर वापिस वो disease ला सकती है। Thus a single defective gene cause disease in male, while two defective genes only can cause disease in female because यहाँ पर दोनों X और X female में रहते हैं, क्योंकि फीमेल का कंपोजिशन रहता है एक्स एक्स, तो यहाँ पर दोनों जीन है वो डिफेक्टेड होनी चाहिए जिससे वो फीमेल अफेक्टेड रहे। अगर कोई एक जीन होगी एक्स 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 तो वो कैरियर होगी, वो कैरियर रहेगी। कैरियर फीमेल पास द डिफेक्टिव जीन्स टू 50% ऑफ देयर सन्स, ओके याद रखें, जब भी कैरियर फीमेल का चांस होगा तो वो 50% कि वो डिफेक्टिव जीन है वो अपने सन को next generation को transfer करेगी। The disease is expressed only in males because male does not have partners of gene on Y chromosome to mask the effect of the faculty gene। यहाँ पर जब Y chromosome में कोई defect नहीं दिख रहा तो Y chromosome pass होगा, तो यहाँ पर chances रहेंगे कि normal generation produce हो, लेकिन जब भी कोई defective gene आके pass होता है further pass होगा तो यहाँ पर disease दिखेगी। कि ये वापिस एक हीमोफिलिक का है, दैट एक्स डैश एच, ओके ये कैरियर फीमेल है और नॉर्मल मेल है। जब कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल रिप्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर ये गैमेट्स फॉर्म हो गए, ओके तो जो एक्स डैश एक्स एच एक्स वो होगा तो वहां पर वो यहाँ पर अफेक्टेड होगा या फिर कैरियर होगा, ओके तो फीमेल है तो यहाँ पर एक्स डैश एच, तो यहाँ पर एक्स यहाँ से लिया और एक एक्स यहाँ से आया, तो ये वापिस कैरियर हो गई X dash and ये, okay तो यहाँ से या यहाँ से, ये X X में normal, then आपको पता था कि X dash Y, X H Y जब होगा तो वो affected रहेगा क्योंकि male में से Y आता है, तो X dash gene यहाँ से आया और male में से Y आया, तो वो यहाँ पर hemophilic male होगा क्योंकि there will be 50% chances कि जो affected female है वो अपने son को defective gene pass करे, okay तो यहाँ पर एक कैरियर, एक हीमोफिलिक और एक दो नॉर्मल यहाँ पर प्रोजेनी दिखे। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एज अ कॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ओके मैटर ऑफ पैटर्नल इनहेरिटेंस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है वो हम देखेंगे क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो पजस डीएनए, ओके तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसे कहते हैं हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, बिकॉज जब इवोल्यूशन नहीं हुआ था तब ये दो ऑर्गेनेल्स सेल के बाहर फाउंड होती थी, लेकिन जैसे इवोल्यूशन हुआ वो सेल के अंदर आ गई, एंड यू आर जस्ट सीन दैट दे आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, ओके तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, तो उनके ऊपर भी जीन नहीं होगी, क्रोमोसोम्स होंगे, तो टिल यू हैव स्टडीड दैट द जीन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस, बट सिंस माइटोकॉन्ड्रिया कम इन जायगोट फ्रॉम द एग, लेकिन जब फर्टिलाइज में जब रिप्रोडक्शन के टाइम पर माइटोकॉन्ड्रिया में जायगोट में आता है फ्रॉम द एग, ओके इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से
मींस जब भी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से कोई डिफेक्ट आया हो तो हम मदर्स फैमिली से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या पास हो गया, कौन कैरियर है, और जो कि पूरा पेडिग्री एनालिसिस करके हम बता सकते हैं। ह्यूमन कार्योटाइप आर द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन 7 ग्रुप अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम एंड इट्स साइज। यहां पर ह्यूमन कार्योग्राफ है, वो एक अरेंजमेंट है क्रोमोसोम्स का अकॉर्डिंग टू द 7 ग्रुप, एक 7 ग्रुप बनाया गया है कि क्रोमोसोम्स के साइज पर यहां पर उसे अरेंज किया गया। इट इज प्रिपेयर्ड बाय अरेंजिंग क्रोमोसोम्स सीन एट माइटोटिक मेटाफेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द लॉन्गेस्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम ड्रॉन फर्स्ट एंड सेक्स क्रोमोसोम आर ड्रॉन लास्ट। तो पहले जो ऑटोनोमस क्रोमोसोम्स है उसको एंड देन सेक्स क्रोमोसोम के बेस पर एक 7 ग्रुप बनाए गए हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज, लोकेशन, सेंट्रोमियर एंड बैंड सॉर्टेड बाय द स्पेशल स्टेनिंग मेथड जो कि A2G यहां पर देखेंगे। नॉर्मल मेल हैज 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक्स एंड 1 वाई। तो यहां पर एक्स वाई जो कि मेल को रिप्रेजेंट करता है। द नॉर्मल फीमेल हैज 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 2 एक्स क्रोमोसोम जो कि 46 एंड एक फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। देन प्रेजेंस ऑफ वाई इज नेसेसरी फॉर मेलनेस। तो यहां पर एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होना इज नेसेसरी फॉर मेलनेस एंड एब्सेंस ऑफ वाई मेक्स एन इंडिविजुअल विद सम डिफेक्टिव कैरेक्टर। जब वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा सिर्फ एक्स रहेगा या फिर 2x रहेंगे तो वो फेमिनाइन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा। क्योंकि यहां पर एक A2G है वो यहां पर ऑटोसोम्स है और जो H है वो यहां पर सेक्स क्रोमोसोम से, जो कि यहां पर फीमेल की बात हो रही है तो यहां पर दोनों एक्स क्रोमोसोम है और जब मेल की बात है तो 22 ऑटोसोम्स हैं। जब सेक्स क्रोमोसोम आए तो एक एक्स एंड एक वाई। ओके, तो जो हमें देखता है कि एक्स वो बड़ा होता है एंड वाई क्रोमोसोम आर मच स्मॉलर देन एक्स क्रोमोसोम्स। ओके, तो अपने ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स पढ़े तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज यहां पर है जो कि हम पढ़ेंगे कि कौन सी सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डिजीज, कोई एक डिजीज नहीं होती लेकिन बहुत सारी डिजीज एक साथ होती है जिसे हम कहते हैं सिंड्रोम। बहुत सारी डिजीज के कैरेक्टर्स एक साथ शो होते हैं। तो एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ऊपर जो स्ट्रक्चर देखे हम ऑटोसोम 22 प्लस 2x क्रोमोसोम्स ओके टू सेक्स लिंक क्रोमोसोम, तो यहां पर कोई भी चेंज उसमें होगा तो यहां पर जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होने वाला है उसके उसमें भी यहां पर चेंज होगा। जैसे कि फर्स्ट डिसऑर्डर है हमारा जो कि मंगोलिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि द इंडिविजुअल है 47 क्रोमोसोम। ओके, नॉर्मल इंडिविजुअल के पास होता है 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स वाई या फिर एक्स एक्स। ओके, ये होता है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, यहाँ पर 47 क्रोमोसोम्स होता है और जो 21st पैर है ऑटोसोम्स में 22 पैर होती है। ओके, तो यहाँ पर 21st पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑटोसोम्स में। ओके, ऑटोसोम्स में तो 21st पैर रहती है, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहता है। यहाँ उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, देयर इज अ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं ट्राइसोमी। ओके, जैसे यूजुअली पेयर में प्रेजेंट रहते हैं दो, लेकिन जब एक एक्स्ट्रा होगा तो वहां पर तीन हो जाएंगे, दैट मींस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो चेंज आता है वो होता है मेंटली रिटार्डेशन है, थिक टंग है एंड ड्रॉपिंग। ओके, फॉल्स एक्सप्रेशन ऑफ प्लेजर ड्रॉपिंग। तो यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है बॉडी का जो कि मंगोलिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम रहता है, मेंटल रिटार्ड रहते हैं। ओके, जो हार्ट होता है वो भी छोटा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले ह्यूमन बींग्स को हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं वहां पर तीन होते थे, फर्स्ट सेकंड। तो मेंस विंग ये तो क्रोमोसोम। ओके, द नेक्स्ट क्रोमोसोम नेक्स्ट सिंड्रोम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्लीनफेल्डर सिंड्रोम, जिसमें नॉर्मल हमें पता है कि कैसे होता है। ऑटोसोम्स 22 पेयर्स,
ओके जो ऑटोसोम्स होते हैं वो 22 पेयर्स के होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे वो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई रहेंगे, लेकिन जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स वाई एक्स या फिर एक्स एक्स वाई दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके दो एक्स क्रोमोसोम रहते हैं और एक वाई क्रोमोसोम रहता है, लेकिन एट द बर्थ वो रिप्रेजेंट होता है एज अ मेल, लेकिन जब उसके हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर जेनेटिक जीनोटाइप देखते हैं हम, तब हमें पता चलता है कि इसमें दो एक्स क्रोमोसोम है जिसकी वजह से मेल में कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स यहाँ पर शो होते हैं। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स तो यहाँ पर परफेक्ट होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वहां पर एक एक्स और एक वाई होना चाहिए उसकी जगह पर, यहाँ पर दो एक्स और टोटल क्रोमोसोम नंबर हो जाता है 27। इंडिविजुअली इज अ मेल, ओके तो पहले स्टेट कर दिया कि वो मेल होता है विद 47 क्रोमोसोम विद वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहता है दैट इज 44 प्लस XXY। टिपिकल फीचर्स यहां पर फीचर्स होता है, टिपिकल फीचर्स के जो यूजुअली दिखते हैं वो है टॉल एंड मेंटली रिटार्डेड, ओके जो लंबे होते हैं और मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, स्टराइल शोइंग ब्रेस्ट डेवलपमेंट गायनेकोमास्टिया एंड ओके तो यहां पर जो फेमिनिन कैरेक्टर्स यहां पर शो होते हैं। नेक्स्ट सिंड्रोम दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाता है, ओके जिसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल इज अ फीमेल विद 45 क्रोमोसोम्स विद ओनली वन क्रोमोसोम, यहां पर टोटल यहां पर जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो 45 रहेंगे, ओके जो टोटल क्रोमोसोम्स रहेंगे वो 45 रहेंगे जिसमें 22 पेयर्स मीन 44 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऑटोसोम्स और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा सिंगल एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से जो सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे वो मेंटल रिटार्डेड वेब लाइक स्किन ऑन नेक, स्किन पर वेब लाइक स्किन होगी एंड इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यहां पर जो फेमिनिन कैरेक्टर्स वो भी कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया जिसे कहते हैं हम ब्लीडर्स डिजीज, जो कि मैंने कहा कि अगर छोटे से कट से भी पूरा बॉडी का खून रिटार्ड हो जाएगा। दिस डिफेक्ट्स आर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर क्योंकि इनको जो कंट्रोल करने वाली जीन प्रेजेंट रहती है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट रहती है, ओके तो हम हीमोफीलिया में तो हीमोफीलिया का ओके यहां पर एक पुनिट स्क्वायर है जो कि हम देखेंगे, जैसे कि एक्स वाई एंड एक्स एक्स सी, जो यहाँ पर एक्स सी का वो है वो एक इन्फेक्टेड जीन है, डिफेक्टेड जीन है, तो जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर एक्स एफ से नॉर्मल एक्स वाई नॉर्मल सन देन एक्स सी एक कैरियर हो जाएगी एंड एक्स सी वाई, ओके तो एक्स सी वाई यहाँ पर एक्चुअल जो अफेक्टेड जीनोटाइप है जो कि एक्स सी वाई वापिस कलर ब्लाइंड सन में दिखता है, तो इसी वे में कलर ब्लाइंडनेस का भी इसी वे में ट्रांसफर होता है डिफेक्टेड जीन। इन मेल्स अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम इज रिसीव्ड फ्रॉम मदर हेंस अ डिफेक्टिव जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर इज पास ऑन टू द सन एंड एक्सप्रेस अ डिफेक्ट, या डॉटर रिसीव वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड अनदर एक्स फ्रॉम हर फादर इन द कैरियर, इन द कैरियर डॉटर द डिफेक्टिव जीन रिसीव फ्रॉम मदर इज मास्क क्रोमोसोम रिसीव फ्रॉम अ नॉर्मल फादर बाय नॉर्मल एलील ऑन द अदर एक्स क्रोमोसोम, या फ्रॉम मदर ही डॉटर को ट्रांसफर करती है डिजीज। कलर ब्लाइंड मेल्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन, जो रेड एंड ग्रीन कलर रहते हैं उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। इन हीमोफीलिया अफेक्टेड मदर द ब्लड डज नॉट क्लॉट इजीली एंड पेशेंट मे ब्लीड टू द डेथ, ओके जो छोटा सा कट लगेगा उससे भी हीमोफीलिया में वो बॉडी का पूरा ब्लड निकल जाएगा। इट्स मोड ऑफ इनहेरिटेंस एक्जेक्टली लाइक द कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस की वे में वो ही एक जनरेशन टू डिफरेंट जनरेशन ट्रांसफर है। नेक्स्ट इज थैलेसेमिया, इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल मींस जो सेक्स लिंक डिजीज है मींस सेक्स क्रोमोसोम है उन पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, इनकी जीन ऑटोसोम्स के ऊपर होती है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है, दैट्स व्हाई इसे कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर इन व्हिच हीमोग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज, जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट जो रेड कलर देता है आरबीसी को
यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं सिंथेसाइज होता, सो द फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, मींस थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ जाता है। डिफेक्टिव जीन इज रिसेसिव एंड प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स इन द हिप्लोजाइगस पेरेंट्स मे नॉट शो द डिसऑर्डर, द चाइल्ड हु गेट्स द डिफेक्टिव जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स सफर थैलेसीमिया। ओके, तो दोनों पेरेंट्स डिफेक्टिव रहेंगे तो जो मेल सन होगा या फिर दोनों में इन डिफेक्टेड कैरियर आएंगे तभी जाकर जो इन्फेंट होगा वो थैलेसीमिया से अफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया, इट इज अनदर हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटी डिजीज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल ऑटोसोमल, यहां पर एक ही जीन के अल्टर होने से ये डिजीज होती है, इन विच द आरबीसी लूज दैट शेप एंड बिकम सिकल शेप। ओके, यहां पर आरबीसीज रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स रहते हैं, वो अपने शेप को चेंज करकर एक कॉनकेव शेप कन्वेक्स लेंस के शेप में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं कर पाते हैं, डिफेक्ट हीमोग्लोबिन। इंडिविजुअल्स पजेस टू डिफेक्टिव जीन्स, जो कि दो जीन अगर डिफेक्टिव रहेगी तो दे कैन नॉट सर्वाइव, इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल वन जीन इज नॉर्मल एंड सो हाफ द नंबर ऑफ टोटल आरबीसीज आर नॉर्मल कंटेनिंग नॉर्मल हीमोग्लोबिन बाय द अदर्स आर डिफेक्टिव, यहां पर कोई एक जीन डिफेक्टिव रहेगी तो आधे नंबर ऑफ आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ लिंक नहीं कर पाएंगे और आधे ही कर पाएंगे जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बनी रहेगी। For heterozygous individuals, the sickle cell gene is born to be distinguished against malaria. For children, it's one defective hemoglobin gene. अब ये एक pros हो गया कि अगर आपको sickle cell anemia है तो आपको malaria का infection नहीं होगा, immunity मिल जाएगी, they can survive, they are less affected by malaria because the malarial parasite cannot thrive inside the defective RBC. जो defective RBCs है उनपे वो अपना जो ब्लड में जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है मलेरिया वो नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज आरएच फैक्टर जिसे कहते हैं हम। ओके, तो आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव रहता है। आरएच फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ब्लड कॉर्पस अबाउट 15% ऑफ ऑल वुमन डू नॉट हैव जीन फॉर आरएच एंटीजन। 50% से जितनी वुमन्स के पास एंटीजन नहीं रहता आरएच पॉजिटिव। ओके, तो आरएच एंटीजन ब्लड में नहीं रहेगा तो आरएच पॉजिटिव कहलाएगी। मैन कैन आल्सो बी आरएच नेगेटिव बट द प्रॉब्लम विद दिस ट्रेट क्रिएट्स इन आरएच नेगेटिव वुमन, और जो आरएच नेगेटिव वुमन होती है उसमें वो ट्रेट ट्रांसफर होता है। द प्रेग्नेंट आरएच नेगेटिव वुमन हुज हस्बैंड इज आरएच पॉजिटिव मे बेयर अ चाइल्ड विद हु हैव इनहेरिटेड आरएच पॉजिटिव जीन फ्रॉम द फादर। इफ अ फर्टाइल ब्लड, क्योंकि जो फीटस का ब्लड है फ्रॉम आरएच पॉजिटिव फोटस एंटर्स द मदर स्कीम, अगर जो इन्फेंट है एम्ब्रियो है वो अगर आरएच पॉजिटिव है उसमें से जो ब्लड है वो मदर में ट्रांसफ्यूज होता है मिक्स होता है तो एंटीबॉडीज रिमेंस मदर से, जो इम्यून सिस्टम होगी मदर की वो आरएच एंटीजन से माइनर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्रिएट करेगी, एंटीबॉडीज रिमेन इन द मदर ब्लड एंड द सबसिक्वेंट pregnancy, the mother's antibodies against fetal RH may enter the fetal blood stream and destroy the red blood cells because several anemia and which can be fatal. यहाँ पर first time first delivery में कोई problem नहीं आएगा लेकिन जब again कोई chance होगा वापिस embryo development का तो वो यहाँ पर जो RH positive होती है वो सारे antibodies और red blood cell को destroy कर देंगे और जो इसको कहते हैं हम erythroblastosis fetalis जो कि auto फोटस है वो वापस डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउडेज आरएच नेगेटिव मदर ऑफ आरएच पॉजिटिव फीटस इज ट्रीटेड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी टू डिस्ट्रॉय आरएच एंटीजन इन ब्लड स्ट्रीम, तो आफ्टर डिलीवरी तुरंत ही जो ब्लड स्ट्रीम होती है वो यहाँ पर आरएच एंटीजन को मार दे जिसकी वजह से जो नेक्स्ट डिलीवरी में भी वो तो वहां उसमें प्रॉब्लम ना हो। Shows the first pregnancy where the mother is RH negative or fetus RH positive. Antigens of the fetus stimulate the production of antibodies. Okay, the black blocks कहते हैं in the mother. Mother में antibodies का generation कर देती है. Shows the retention of antibodies in the mother. Antibodies body में retain करती है. Then shows the RH positive in the womb of the same mother during the second pregnancy. और वापिस जब वो RH antibodies जो second embryo में जाएगी तब वो एंटी फैक्टर जो मदर्स के ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्ट वो बेबी के ब्लड को इन्फेक्ट कर देगा और रेड ब्लड सेल को किल कर देगा। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट
Talk is amniocentesis. Okay, amniocentesis is a technique by which the hereditary disorders due to defect in the gene cannot be taken care. कोई भी है वो अभी embryonic stage में है, तो वहाँ पर हम उससे उनका DNA collect कर हम जान सकते हैं कि इस जेनेटिक डिसऑर्डर और या फिर जो embryo है वो male है या फिर female है. A small sample of amniotic fluid surround the fetus is syringed out. यहाँ पर जो फ्यूटस रहता है उसके आगे में जो फ्लूइड रहता है जिसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसको कलेक्ट करता हूँ. दिस फ्लूइड हैज सेल्स विच ब्रेक ऑफ द स्किन ऑफ द फ्यूटस. तो फ्यूटस के स्किन से ब्रेक ऑफ हो गया वो फ्लूइड फॉर्म होता है. फीटल सेल्स आर पिक्ड अप एंड कल्चर्ड. ओके, उसको हम कल्चर करते हैं. क्रोमोसोम इन द डिवाइडिंग सेल्स आर एनालाइज्ड फॉर जेनेटिक, और उसमें क्रोमोसोम डेवलप हो गए वो सेम हो गए एज कंपेयर टू द एम्ब्रियो, और उसमें से हम पता लगा सकेंगे कि जो एम्ब्रियो है वो उसमें कोई डिफेक्ट है या फिर कौन से सेक्स का है. इफ इनकरेबल जेनेटिक डिजीज आर डिटेक्ट, अगर कोई ऐसी डिजीज डिटेक्ट होती है इनकरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर कोई भी डिसऑर्डर, तो जो प्रेगनेंसी है वो तुरंत टर्मिनेट हो सकती है. इट इज इनलीगल टू यूज एम्ब्रियोसेंटेसिस फॉर डिटेक्टिंग द सेक्स ऑफ अर्थ, जो कि हम उसे सेक्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इट इज इनलीगल एंड बैंड बाय द गवर्नमेंट कि हम ऐसा नहीं करते ड्यू टू फीमेल फिटोसाइट्स. द ह्यूमन जीनोम इन द लास्ट 100 इयर्स जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैव गॉन अ फार अहेड एंड द प्रोग्रेस इज वेरी रैपिड. वर्क टू डेवलपमेंट हो रहा है. यू हैव जस्ट रीड अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स टुडे, देयर इज अ होप फॉर क्योर्स विद दिस जीन थेरेपी. दिस इज बिकॉज इन 2003 मोस्ट ऑफ द जीन्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम हैव बीन मैप्ड एंड लोकेटेड ऑन द 23N क्रोमोसोम्स, द जीन रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर फीचर्स. The control various enzymes and the catalyze the various biochemical reactions in the body. The gene responsible for the genetic disorders have been located. The genome means gene of a particular organism on its haploid set of chromosomes and study the genomics means जो भी disorder है अगर हमें at the end of embryonic stage में हमें पता चलता है तो हम different methods से defective gene को निकाल कर एक normal gene प्लेस कर सकते हैं जिसके वजह से जो भी डिफेक्ट आने वाला हो वो ना है. ऑल काइंड ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इन अ हैप्लॉइड सेट. दस ह्यूमन जीनोम में भी डिफाइंड है ऑल जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमंस. देयर इज एन एस्टिमेटेड 20,000 टू 25,000 जीन्स एंड 3 बिलियन बेस पेयर्स इन द टोटल ह्यूमन डीएनए. ईच ह्यूमन क्रोमोसोम इज अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन कोडिंग. ईच जो डीएनए क्रोमोसोम होता है वो यहां पर प्रोटीन कोडिंग के लिए responsible होता है. then regulating base sequence, non-coding DNA, promote sequences जैसे कि data box हो गया. in the between genes the code for proteins, they are genes. okay, तो यहाँ पर जो भी function होता है या फिर protein formation होता है या फिर कोई भी character show करना होता है, कोई भी enzyme का action, कोई भी hormonal का action, वो सब alter होता है genes से. तो यहाँ पर genes are the code for the production of ribosomal RNA and the many tRNA. जो ribosomal वो प्रोटीन की कोडिंग के लिए यूज होता है, बाकी सारा नॉन फंक्शनल डीएनए है जो कि हमारे पूरे सेल में प्रेजेंट रहता है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहता है. तो हियर वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर दैट इज द जेनेटिक्स.